अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने जैम सर्वर को स्टार्ट कर लिया है और दोनों सर्विसेज को स्टार्ट कर लिया है। अपाचे और माई एसक्यूएल का सर्वर हमारे पास रेडी है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर लोकल होस्ट हम अगर रन करते हैं तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट है। इसलिए लोकल होस्ट जो है हमें डैशबोर्ड दिखाएगा। तो ये लोकल होस्ट को रन करने पर हमें डैशबोर्ड डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये सर्वर जो है वर्क कर रहा है। यहाँ पर हम इस तरीके की स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। अब हम अपनी डैशबोर्ड पे कोई कोड डिप्लॉय करना है तो हमारे पास हमारी डायरेक्टरी है। आप यहाँ पे डायरेक्टरी देख सकते हैं कि जैम्प जो है डी ड्राइव में इंस्टॉल है। मैं इसको रोज रिपीट करता हूँ ताकि जो लोग नए ज्वाइन करते हैं उनको भी क्लियर हो जाए। डी ड्राइव में हमारा जैम्प जो है इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम डी ड्राइव में जाएंगे, हमको जैम्प फोल्डर मिलेगा। जैम्प के अंदर हमारा HT डॉक एक फोल्डर होता है, ये सर्वर का लोकेशन होता है। यहाँ पर हमको अपनी PHP फाइल्स को डिप्लॉय करना होता है। हमने एक फोल्डर बना के रखा है यहाँ पर साई नाम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक साई नाम का फोल्डर बनाया हुआ है और हमारी जो PHP फाइल्स है हम इसके अंदर डिप्लॉय करते हैं। क्लियर है? तो इन PHP फाइल्स को हम यहाँ पर ओपन करके देखते हैं कि इनमें हम लूप का कोड लिखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कि तीन चीजें हमने ओपन करके रखी है। पहला जो है ये नोट पैड प्लस प्लस का एडिटर है। यहाँ पर हम सेव करेंगे और हमारा जो आउटपुट है वो लोकल होस्ट के वेब ब्राउजर पर या लोकल होस्ट के आईपी पर डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ बैकग्राउंड में हमारा ये जो जैम्प सर्वर का कंट्रोल पैनल है, यहाँ पर हमने सर्वर की जो सर्विसेस है वो स्टार्ट कर दी है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये स्टॉप दिख रहा है, ये कौन से पोर्ट नंबर पे एग्जीक्यूट हो रहा है और कौन कौन सी प्रोसेस आईडी इसने यूज कर रखी है। तो आप हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा कोड है। यहाँ सेव करेंगे, लेकिन हमको इसकी लोकेशन देनी होगी। इसकी लोकेशन हमारे पास है साई नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमारी जो फाइल है test2.php, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। फिलहाल हमारा जो बॉडी है इसमें हमने अभी कोई कोड नहीं कर रखा है। PHP टैग केवल ओपन किया है और PHP टैग हमने क्लोज किया है। तो यहाँ पर हम अभी कोड करने वाले हैं। साथ ही साथ फॉन्ट बड़ा करने के लिए हमने एक CSS लगाया है। आप देख पा रहे हैं कि CSS में हमने बॉडी सेलेक्टर लगाया है और बॉडी का कलर रेड और फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि क्लियर दिखाई दे हमें पैटर्न, क्योंकि इसमें पैटर्न जो है बहुत छोटा छोटा दिखेगा। इसलिए हमने इसकी CSS लगा के इसकी फॉन्ट का कलर और फॉन्ट की साइज चेंज कर दी है। और CSS के बारे में आपने भी पहले पढ़ रखा है। CSS को हमने बॉडी के ऊपर हेड में लगाना रहता है, हेड यहाँ पर ऑप्शनल हमने नहीं लिखा है। तो अब यहाँ पर बॉडी के अंदर हम PHP टैग लगाते हैं। देखिए PHP में हम वो कोड करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये वाला जो पैटर्न है उसको प्रिंट कराऊंगा। ये वाला पैटर्न प्रिंट कराने के लिए तो हम सीधा इस कोड को कॉपी या पेस्ट कर हम लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, $i r = 0 और $c = 0। हमने दो वेरिएबल बनाए और मैंने आपको बताया कि फॉर की नेस्टिंग हमें करनी है, फॉर लूप की। तो मैंने यहाँ पर दो फॉर लूप्स बना लिए हैं और इसकी नेस्टिंग हमें करना है। और दूसरा फॉर लूप जो है मैंने बताया कि दूसरे फॉर लूप के बाद आपको एंड करना होता है लाइन, और PHP है इसलिए हम इसमें br टैग को इको कराएंगे ताकि उसका जो आउटपुट है वो br हो और लाइन चेंज हो जाओ। ये हमारा फॉर्मेट है। अब हमें गिनना है कि कितने रो और कितने कॉलम है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए 5 रो और 5 कॉलम है। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, 5 रो और 5 कॉलम के हमको एक लूप तैयार करना है। हमेशा याद रखिए कि बाहरी जो लूप है वो आपका होता है रो के लिए। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ r < = ये 5 और r++। चूंकि ये PHP है इसमें वेरिएबल्स के आगे डॉलर साइन लगी होती है, इसलिए जितने बार भी आप वेरिएबल लगाएंगे उसके आगे डॉलर का साइन लगाना होगा ताकि वो उसकी वैल्यू के साथ वर्क करे। सेम इसी प्रकार से आप $c लिखेंगे, = 0 लिखा मैंने और 5 बार चलाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से $c < 5 और $c++ मैंने एक कोड लिख लिया।
अब इसके बीच में मुझे इको कराना होगा, जो भी मुझे सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए स्टार दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर स्टार को इको करा देता हूँ ताकि वो हमारा आउटपुट में आए। तो ये मेरा कोड रेडी है पीएचपी का, जिसमें इस तरीके का पैटर्न प्रिंट होगा नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 रो और 5 कॉलम के सीक्वेंस दिए हैं, जबकि ये 5 रो और 5 कॉलम्स नहीं है, वो एंगुलर शेप में है। तो यहाँ पर 5 रो और 5 कॉलम के हम पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको मॉडिफाई करेंगे इसमें। तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोड करते हैं। तो देखिए, हमारे पास चूंकि यहाँ पर पहले से ही एड्रेस लोकेशन था, इसलिए ये एग्जीक्यूट हुआ और ये हमारा आउटपुट आ गया। हम यहाँ पर पेज सोर्स भी देख सकते हैं, इस तरीके से 5, फिर बी आर, फिर 5, फिर बी आर, फिर 5, फिर बी आर, ये आउटपुट आया इस लूप का। पहले 5 बार ये चला, देखिए ये 5 बार चला, फिर बी आर आया, फिर 5 बार चला, बी आर आया, 5 बार चला, बी आर आया। तो ये बी आर को जब हम HTML में देख रहे हैं तो वो नीचे दिख रहा है, ऐसा। क्लियर है? अब हमको यहाँ पर क्या चेंजेस करना है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा जो ये वाला जो लूप है, ये वाला जो पैटर्न है, इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है, रो की संख्या 5 है, कॉलम की संख्या 5 है, लेकिन रो की संख्या जो है कॉलम की संख्या पर डिपेंड कर रही है। बोलने का मतलब है कि पहले रो में एक कॉलम, दूसरे रो में 2 कॉलम, तीसरे रो में 3 कॉलम। तो इसको हम यहाँ पर बता देते हैं, हमने यहाँ फिक्स दे दिया है कि हर रो में 5 कॉलम होंगे, लेकिन मैं अब ये बताने वाला हूँ कि हर रो में 5 कॉलम नहीं होंगे, जितना रो नंबर होगा उतने कॉलम होंगे। क्लियर है? यहाँ पर अगर रो नंबर 1 है तो 1 कॉलम होंगे, 2 है तो 3, 2 कॉलम होंगे, 3 है तो 3 कॉलम होंगे। तो मैंने सिर्फ 5 मिटा के यहाँ पर आर लिख दिया और इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसको फिर यहाँ पर रीलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका ओके, यहाँ पर मुझे डॉलर लिखना है, ये चीज हम कई बार भूल जाते हैं, डॉलर लिखना होता है। वेरिएबल का जब नाम लिखेंगे तो आपको डॉलर लिखना होगा, ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ पे डॉलर लिखेंगे तो आपको इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा। इसकी वैल्यूज आपको एक कम ज्यादा मिल रही है, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाइए ताकि वो 5 तक चले, क्योंकि 0 to 0 जो चल रहा है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इनकी संख्या आप यहाँ पर नंबर को कम ज्यादा करके आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने ये पैटर्न जो है प्रिंट किया है, 5 मिनट, ये जो पैटर्न हमने प्रिंट किया, इसमें हमने देखिए यहाँ पे केवल नंबर्स चेंज करने हैं हमको, और दूसरी लैंग्वेजेस से थोड़ा सा अंतर है कि आपको बार बार डॉलर सिंबल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए भी डॉलर लगाया आपने, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने ये पैटर्न प्रिंट कर लिया। सेकेंड, इसी पैटर्न को हमें फिर से प्रिंट करना है। तो आप देखिए, आप काफी अच्छा डिजाइन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। मैं आपको डिजाइन दिखाने के लिए यहाँ पर फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको पीएक्स में भी लिख सकते हैं आप, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और लूप लगा देता हूँ, i=0 कर दिया मैंने, और एक और लूप लगा देता हूँ मैं आई नाम से। तो आपको यहाँ पता चलेगा कि ये जो पैटर्न था इसको मैं 5 बार प्रिंट करा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आर के बदले आई लिख देता हूँ, आई और आई, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये जो आपका था, ये आपका ये एक पैटर्न प्रिंट कर रहा था, मैंने इसको 5 बार लिख दिया। अब देखिए ऐसा 5 बार पैटर्न आएगा ऐसा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पैटर्न को प्रिंट करा सकते हैं और क्रिसमस ट्री वगैरह के पैटर्न यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो डायमंड शेप बनेगा। अब हम ये नहीं करना है हमें, हम वापस ले आ देते हैं अपने कोड को और इसकी फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देते हैं। हमको करना ये है कि हमको सेकेंड पैटर्न प्रिंट करना है, ये वाला। तो आप यहाँ पर पैटर्न को देखिए, इसका जो शेप है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि यहाँ पर लिखे हुए जो नंबर्स हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये शेप डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ जो चीज है वो डिसाइड करता है आपकी, यहाँ पर जो पैटर्न का जो सिंबल होता है वो डिसाइड करता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पैटर्न हमने प्रिंट किया, ये तो सिंपल यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, सेम शेप में हमें ये प्रिंट करना है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो सकता है? तो यहाँ पर फॉर्मूला है ये वाला कि रो की संख्या, तो इस पैटर्न की बात कर रहे हैं हम, कि
यहाँ पर रो की संख्या 5 है, कॉलम की संख्या भी 5 है, और कॉलम की संख्या रो पर डिपेंड कर रही है, लेकिन जो प्रिंटिंग पैटर्न है वो क्या था? इसके पहले जो प्रिंटिंग पैटर्न था वो तो स्टार था, लेकिन सेकंड वाले में प्रिंटिंग पैटर्न क्या है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये कॉलम 1 में कॉलम का नंबर प्रिंट हो रहा है, कॉलम 2 में 2 प्रिंट हो रहा है, कॉलम 3 में 3 प्रिंट हो रहा है, 4 में 4 प्रिंट हो रहा है। यानी यहाँ पर जो प्रिंट करने का पैटर्न है वो स्टार नहीं है, यहाँ पर प्रिंट करने का पैटर्न स्टार ना होकर के कॉलम नंबर है। फर्स्ट कॉलम में 1 प्रिंट हो रहा है, सेकंड कॉलम में 2 प्रिंट हो रहा है, थर्ड कॉलम में 3 प्रिंट हो रहा है, फोर्थ कॉलम में 4 प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग पैटर्न जो है वो स्टार ना हो करके कॉलम की संख्या है या कॉलम नंबर है। तो हम यहाँ पर जो स्टार लिखा हुआ है यहाँ पर कॉलम प्रिंट कर देंगे, लेकिन आपको पता है कि कॉलम एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के आगे डॉलर लगेगा और ये डबल कोट्स नहीं लगेंगे वेरिएबल के आगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, केवल हमने स्टार मिटा के कॉलम की संख्या यानी डॉलर सी लिख दिया। अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर लोड करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कॉलम की संख्या यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने यहाँ पर 1 0 से स्टार्ट कर दिया, इसलिए 0 से दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको 1 से स्टार्ट कर दीजिए और यहाँ पर इक्वल टू लगा दीजिए, यहाँ पर 1 से स्टार्ट करिए, यहाँ पर इक्वल टू लगा दीजिए, तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। या फिर आप यहाँ पर +1 भी कर सकते थे, दोनों तरीका है, कई तरीके होते हैं काम करने के। 0 से स्टार्ट करिए, यहाँ पे +1 कर दीजिए, या फिर या इसको 1 से स्टार्ट करिए। तो ये नेक्स्ट पैटर्न हमारा बन गया ये वाला, और साथ ही साथ आपने लूप का स्ट्रक्चर भी समझ रखा है। लूप में सेम वही कंसेप्ट है, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, सेम चीजें हैं, फ्लो चार्ट वगैरह सेम है। बात करते हैं थर्ड पैटर्न की। तीसरा जो पैटर्न है इसमें आप देखिए रो की संख्या 5 है, कॉलम की संख्या 5 है, कॉलम की संख्या रो पे डिपेंड कर रही है, यानी कि ये तीनों चीजें सेम है, यानी कि ये जो नंबर्स होंगे वो सेम होंगे ये, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है। बट यहाँ पर जो प्रिंटिंग हो रही है आप देखिए क्या है, पहले रो में 1 लिखा है, दूसरे रो में 2 लिखा है, तीसरे रो में 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। यानी कि जो पैटर्न है वो रो कॉलम ना होकर के रो है, क्योंकि पहले रो में 1 लिखा है, दूसरे रो में 2 लिखा है, तीसरे रो में 3 लिखा है। तो आपको निश्चित सी बात पता चल गया होगा कि हमको यहाँ सी मिटा के क्या लिखना है, आर लिखना है। सिर्फ एक चेंजेस किया हमने और जब इसको लोड करेंगे तो देखिए हमको वो पैटर्न मिल गया है। तो जब इसका हम पेज सोर्स देखेंगे तो हमको इसका आउटपुट भी मिल रहा है, देखिए 1 BR, 2 2 BR, 3 3 BR, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। और आपने जो टेक्निक यूज की थी फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करने के लिए, उसी टेक्निक से आप इस फॉर को वाइल में और डू वाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स है जावास्क्रिप्ट से मिलता जुलता है, केवल डॉलर सिंबल यहाँ पर लगाना होगा। तो आज हमने इन तीन प्रैक्टिकल्स को भी कर लिया और इनके लॉजिक को भी समझा, इसके स्ट्रक्चर को भी समझा। स्ट्रक्चर आप हमेशा याद रखिए, केवल ये सिंटेक्स जो है वो चेंज होंगे, यहाँ इको के बदले प्रिंट एफ, सी आउट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अलग अलग चीज लैंग्वेज चेंज होगी, तो ये जो वर्ड है वो चेंज होगा और बाकी ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, कंसेप्ट चेंज नहीं होता। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।